तो वो जो फ्यूल पंप होता है, फ्यूल इंजेक्टर, उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि आप मैनुअल में भी पढ़ सकते हो, ऑलवेज कीप 2 to 3 लीटर्स बाइक इन योर FI बाइक्स, जिसमें जिस भी बाइक में फ्यूल इंजेक्टर होते हैं उसमें कम से कम मिनिमम 2 से 3 लीटर ऑयल रखना चाहिए, फ्यूल रखना चाहिए। एंड ये हो गई अपनी बाइक स्टार्ट, एंड तो ये जो फीचर्स है ना, ये देखो, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। एंड सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ आवर वैम। एंड या गाइज, आज की वीडियो होने वाली प्रॉपर बाइक के ऊपर, बाइक में क्या क्या फीचर्स एडेड है, एंड डिटेल में बताऊंगा कि इसमें जो ऐप से कनेक्ट करके आप लोग इसे कैसे कैसे ऑपरेट कर सकते हो, एंड क्या क्या चीज़ें इसके ऐप में फीचर की गई है। सेकेंड पॉइंट इज दिस कि इस बाइक की जो डिजिटल कंसोल है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, एंड क्विक शिफ्टर वर्क करके आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। बेसिकली क्विक शिफ्टर का प्रॉपर वर्क तब होगा जब इसके सर्विस करवा लेंगे तब, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा हाई रेविंग नहीं कर रहा हूँ बाइक को, हायर RPM पे नहीं चला रहा हूँ। बट जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 RPM से 3.5 के बाद यहाँ पे QS का शो होता है, ऑप्शन ब्लिंक करता है QS, तो इट मीन्स वहाँ पे आप क्विक शिफ्टर एक्टिवेट हो जाता है, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो क्विक शिफ्टर को। और 3500 RPM के नीचे आप क्विक शिफ्टर को यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप उस टाइम विदाउट क्लच गियर शिफ्ट करते हो तो क्विक शिफ्टर आपका प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो ये देखो, ये मैंने बाइक को ले गया 4000-5000 RPM पे, एंड ये देखो, तो बिल्कुल स्मूथली बाइक में मतलब गियर शिफ्ट कर जाएगी, और ऐसा आपको फील होगा लाइक जैसे क्लच के साथ शिफ्ट होती है ना, बिल्कुल वैसे ही क्लचलेस शिफ्ट हो जाएगी। सबसे बेस्ट फीचर्स मुझे इसमें ये लगी सबसे बेस्ट कि इसकी ट्रैक्शन कंट्रोल को हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी देखो, ये क्विक शिफ्टर हुआ, ये गियर चेंज हो गई क्लचलेस, ये देखो मेरा हाथ इधर है, बिल्कुल नहीं फील हुआ। और अगर नॉर्मल बाइक्स में अगर आप ऐसा ट्राई करोगे जिसमें क्विक शिफ्टर डाले नहीं है, तो बाइक ना एक झटका सा फील देती है। ये देखो, बाइक में कब गियर शिफ्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा गाइस। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि इस बाइक में सिर्फ अपशिफ्ट दिए हुए हैं, क्विक शिफ्टर में दोनों आता, टू वे भी आता, बट ये सिर्फ वन वे है, इसमें सिर्फ अपशिफ्ट का दिया हुआ है। डाउन शिफ्ट अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्लच यूज़ करना पड़ेगा, बी रिमाइंडेड। और इस पॉइंट को गाइज आप लोग नोट कर लो, क्योंकि बहुत लोगों ने ये चीज़ को नहीं समझा कि क्विक शिफ्टर का प्रॉपर क्या मतलब है, इसमें कौन सा वाला क्विक शिफ्टर दिया हुआ है। तो या अगर इस हमें डाउन शिफ्ट करना, और अगर डायरेक्टली विदाउट क्लच डाउन शिफ्ट करेंगे तो ये गलत है, ये आपके इंजन को हार्म कर सकता है। अपशिफ्ट करना है, अपशिफ्ट करो, वो भी 3500 RPM के ऊपर ले जाके। यहाँ पे आपका QS जैसे ही ब्लिंक करता है, जस्ट हैव अ लुक चेंज। तो ये बिल्कुल मज़ेदार चीज़ है, एंड एवरेज वगैरह सब कुछ मीटर में शो करता है, तो आई डोंट थिंक इसकी कोई माइलेज टेस्ट करने की ज़रूरत है। बट अगर वैसा हुआ तो एक वीडियो प्रॉपर उस पर बना दूंगा, बट मैं ऐसा नहीं करने वाला कि बाइक की पूरी फ्यूल एम्प्टी करके, इसके FI को हार्म करके, एंड फिर से इस पर एक वीडियो बनाऊँ। क्योंकि होता क्या ना, जब आपकी बाइक रिजर्व में चली जाती है एंड फ्यूल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो वो जो फ्यूल पंप होता है, फ्यूल इंजेक्टर, उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि आप मैनुअल में भी पढ़ सकते हो, ऑलवेज कीप 2 to 3 लीटर्स बाइक इन योर FI बाइक्स, जिसमें जिस भी बाइक में फ्यूल इंजेक्टर होते हैं उसमें कम से कम मिनिमम 2 से 3 लीटर ऑयल रखना चाहिए, फ्यूल रखना चाहिए। एंड टैंक के अंदर जो वो मशीन लगी रहती है उसको फ्यूल में मतलब ऑलमोस्ट डूबा रहना चाहिए, सो दैट कि वो कभी भी ख़राब ना हो। ये चीज़ आप लोग याद रखना, सिर्फ माइलेज टेस्ट कर रहे हैं लोग एंड फ्यूल एम्प्टी करके कोई भी बाइक की, नॉट ओनली ऑफ R15M और V4, किसी भी बाइक की अगर ये कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइस डोंट डू दैट, ये आपके फ्यूल इंजेक्टर को ख़राब कर सकती है। अभी मैं आगे चलता हूँ, बाइक को रोक कर आपको पहले वॉक अराउंड दिखाता हूँ। एंड थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, आगे वैम्प वाला जो स्टिकर था जो अपने पुराने वाले बाइक में था वो भी मैंने लगवा लिया है, एंड इस पर ना सिर्फ वैम्प लगा हुआ, अच्छा नहीं तो साइड में 2 स्ट्रिप्स भी मैंने करवा ली है। तो बाइक तो भाई क्या स्मूथ चल रही है।
अभी बहुत लोग पूछोगे कि भाई आपको क्या डिफरेंस फील हुई आपकी V3 से एंड इस V4, इट मीन्स V4M कुछ भी कह सकते हो आप, बेसिकली ये R15M मतलब ये अपग्रेडेड मॉडल है, बट मॉडल नहीं, काइंड ऑफ V4 ही बोल सकते हो, क्योंकि वर्जन 4 और M में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है शिवाय कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के, बाकी ऑलमोस्ट सारा कुछ सेम है। कल भी मैंने बताया था वीडियो में कि अलग से अगर आप लोग चाहो तो V4 में भी क्विक शिफ्टर लगवा सकते हो, कंपनी ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है। एंड या वहाँ के बहुत सारे ऐसे सीरीज़ है जो अभी स्टॉक में आए नहीं है, बट ऑनलाइन शो कर रहे हैं कि कंपनी ने लॉन्च किए इस बाइक के लिए, तो देखते हैं जब आ जाएगी स्टॉक में एंड अगर मुझे वो चीज़ें पसंद आएगी तो आई विल बाय इट फॉर शो फॉर माय वैम। एंड आगे रुक के आपको पहले बाइक दिखाते हैं। सो गाइस जस्ट हैव अ लुक, ये रही अपनी बाइक एंड हैव लुक। अब देखो बाइक कैसी दिख रही है, एंड ये मैंने कल लगवाया है बाइक की, कल पूजा वगैरह सब कुछ करवा ली क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है इस बाइक को खास करके। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ दिस कि बाइक में अभी ये वाला जो पार्ट आपको ब्लू दिख रहा है ये भी चेंज होने वाला है, इसको चेंज करवा के हम ब्लैक करवाएंगे, बट अभी स्टॉक में अवेलेबल है नहीं। एंड मुझे सबसे बेस्ट पॉइंट इस बाइक का ये लगा, यहाँ पर जो R15M थ्रेड से इनग्रेव्ड की हुई है सीट पर, और इस बाइक की जो सिंगम है ये जो कलर है ना भाई, इसको बहुत साफ़ रखना पड़ेगा, ये चीज़ तो है, बट ये बाइक की एनहांस करती है लुक को बहुत ही ज़्यादा। चेन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है क्योंकि भाई अभी तक एक बार भी मैंने ल्यूब नहीं किया, एंड दिस इज़ द क्विक शिफ्टर। सो या ये रहा क्विक शिफ्टर इसका, तो चलो बाइक को चलाते यार, ऐसे रुक के बातें नहीं करते। अब बात करते हैं इसकी मीटर की, आपको मैं दिखाता हूँ हाउ टू कनेक्ट। सो ये जैसे देख सकते हो फ़ोन में ये ऐप है वाई कनेक्ट, बस आपको इससे डाउनलोड करना है एंड जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे शो करेगा कनेक्टेड, एंड उसके बाद इस पर अगर आप जाओगे एंड रेव डैशबोर्ड पे तो ये देखो, ये चीज़ मुझे बहुत ही प्यारा लगा, ये हो गई अपनी बाइक स्टार्ट। एंड तो ये जो फीचर्स है ना, ये देखो तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। एंड दूसरी चीज़ और, फ्यूल पे अगर जाते हैं तो बाइक किस दिन आपको कितनी माइलेज दी, कितनी फ्यूल कंजम्पशन हुई है बाइक की, लाइक टोटल देख सकते हो 47 KMPL दे रही है माइलेज, एंड फ्यूल कंजम्पशन 1.23 liters। कल मैंने बाइक इतनी चलाई है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डिटेल्स एंड पूरा ग्राफ दिया है, तो पूरे मंथ का आप चेकआउट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी तो इसमें अगर आप पार्किंग पे जाओगे तो आपको एग्जैक्ट बाइक की लोकेशन, जैसे अभी मैं हूँ नियर डक हाउस, दिस इज़ द इको पार्क, तो ये प्रॉपर लोकेशन यहाँ पे बाइक लगी हुई मेरी, हर चीज़ दिखा रही कितने देर से पार्क डेक कब पार्कड हुई है, तो बहुत सारे फीचर्स है यार आप इसमें देख सकते हो ऐप के थ्रू। एंड ये देखो मैं मीटर की बात करता हूँ, यहाँ पे दी हुई ट्रिप 1, ट्रिप 2, ये आप यहाँ पे सारे बटन से आप इसे चेंज कर सकते हो, एंड नीचे एवरेज वगैरह चेक कर सकते हो। TCS इसे अगर आपको ऑफ करना तो बस आपको ना लॉन्ग प्रेस किए रहना है, जैसे इन्फो वाले बटन को मैंने लॉन्ग प्रेस किया TCS इज़ ऑफ, एंड यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी, ट्रैक्शन कंट्रोल आपका ऑफ हो चुका है। अब बाइक के ये जो फीचर है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद इसलिए है कि अगर इंसान चाहे वैसे रोड पे चलाने जहाँ पे TCS की ज़रूरत ना हो, क्योंकि सैंड में होता है क्या ना, अगर सैंड में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन होती है ना तो बाइक बहुत मुश्किल से निकलती है। मैं नॉर्मल रोड वाले सैंड की बात नहीं कर रहा, थोड़ा अगर ज़्यादा सैंड हो कहीं बीचेस वाले एरिया पे, कहीं किसी रिवर साइड वाले एरिया पे, तो उस चीज़ के बाद मैं वापस से TCS ऑन कर लेता हूँ बाइक की। एक और फीचर है इसमें क्विक शिफ्टर ऑन ऑफ करने की, वो मैं आप लोगों को डिटेल में बाद में बताऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो ये देखो अगर इसको चेंज किया मैंने, ये बैटरी इन्फो दे रहा है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई लाइक, कूलेंट का भी टेम्परेचर शो कर रहा है, ट्रैक मोड है ये, और इसको अगर टैप किया रखे तो ये देखो लैप पूरा मीटर का ये चेंज हो गया, इसमें फास्टेस्ट लैप एंड लेटेस्ट लैप जो भी आपका चल रहा होगा वो आप देख सकते हो, तो ये सारा बस इन्फो बटन से चेंज होता रहेगा। तो या चलो बाइक को चलाते हैं भाई, बहुत देर हो गई बातें एंड बहुत ज़्यादा गर्मी भी शुरू हो गई थी भाई, मज़े है क्विक शिफ्टर के। तो असली मज़ा जो क्विक शिफ्टर का वो मैं तब लूँगा जब बाइक स्ट्रीट में आप लोगों को दिखेगी यार, क्लचलेस शिफ्ट्स, मतलब सच बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी अपने लिए जिस तरह से हम बाइक को यूज़ करते हैं। तो ये रोड का हाल देख सकते हो भाई, यहाँ पे मोस्टली सुबह सुबह वॉक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग आए रहते हैं,
तो इस वजह से इस रोड में भाई बाइक्स बहुत कम दिखेंगी, गाड़ियाँ बहुत कम दिखेंगी। एंड अब आप लोग का कमेंट का बस वेट रहे कि आप लोग कमेंट करो एंड बताओ कि किस किस बाइक से इसको कंपेयर करूँ। लाइक V3 से मैंने नॉर्मली कंपेयर कर दिया, बाकी जो प्रॉपर स्ट्रीट रेस वगैरह वीडियोस हो गए उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको और बताओ, मैं एक अपने पास ऑप्शन है RS से, RC से, बस कमेंट करो कि जल्दी आपको किस पे चाहिए। RC तो घर पे लगी पड़ी है, MT भी घर पे लगी पड़ी है ज़ारा अपनी, तो इन दोनों से भी कंपेयर करने में अपने को टाइम लगेगा नहीं। एंड या मैं ज़्यादा एक्साइटेड होकर, ये नहीं कि रोज़ दिन में 2-3 व्लॉग डाल दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉपर एक दिन में एक ही व्लॉग आने वाला है। एंड बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई लद्दाख राइड का क्या हुआ, भाई राइड मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड वीडियोज़ भी एडिटेड है, बट अभी अपने पास वैम्प आ गई है तो थोड़ा सा मैं एक्साइटेड ज़्यादा हो गया। एंड सारे वीडियोज़ को पॉज करके रखा हूँ, जैसे इसके कुछ वीडियोज़ मैं अपलोड कर दूंगा, बिकॉज इट्स अ ट्रेंडी टॉपिक और सबको ही चाहता है भाई कि पहले वैम की वीडियो डालूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रखे थे जब मैं श्रीनगर में था, तो इतने ज़्यादा कमेंट्स है यार, सब लोग बोल रहे भाई कि अब वेट नहीं हो रहा भाई, वैम्प आ गई, वैम्प आ गई। तो भाई मेरे को भी वही वाला फील आ रहा है कि अब वेट नहीं हो रहा, पहले इसके वीडियोज़ डाल लेता हूँ एंड राइड प्रॉपर। जो लोग भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता कि मैंने प्रॉपर राइड पूरी कंप्लीट करके आई है, ऐसा नहीं कि बीच में राइड वाइड छोड़ के भाग गया बाइक के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। तो अभी देखो यहाँ से चल रहे हैं हम लोग टुवर्ड्स होम एंड टाइम इज़ अराउंड 7:20। तो इस बाइक पे अभी बहुत सारे मॉड्स होने वाले हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। पिछले वीडियो में भी ये चीज़ मैंने बोला था, क्योंकि भाई मुझे बाइक के इंजन को हार्म नहीं करना, बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई लव दिस बाइक अ लॉट, एंड बोलना तो नहीं चाहिए बट या आई लव दिस मशीन मोर देन एनीथिंग। और कोई भी बाइक जो मेरे लिए इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं जितना ये है, बट सारे बाइक्स वैल्यूएबल है यार, ऐसा नहीं, बट इससे थोड़ा अलग लेवल का अटैचमेंट है, आप सब समझ सकते हो यार। शुरू से ही जो R सीरीज है R15 की, इसमें मेरा अलग मतलब यामाहा के बाइक से अटैचमेंट है। ये रीज़न था सिर्फ कि मैंने ज़ारा लिया था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फन टू राइड बाइक है यार, एंड कॉर्नरिंग ट्राई करने में इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा कॉर्नर्स है नहीं पटना में, इसकी जो सस्पेंशन है वो थोड़ी स्टिफ है, तो कॉर्नरिंग में लिटरली बहुत ही अच्छी कॉन्फिडेंट फील होती है। एंड चलो बस आज की वीडियो के तहत रखते, काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुका है। अगले वीडियो में इस बाइक को करेंगे किसी इसी सेगमेंट के, मतलब इस सेगमेंट का, देखो भाई ये 150 सीसी हो गए, 200 सीसी 250 सीसी की भी ले लेता है अच्छे से कह के, तो इसके अकॉर्डिंग वो उसका सेगमेंट हो गया। तो बस 200 सीसी या ड्यूक 250 या किसी भी बाइक से इसका कंपैरिजन करेंगे। और बाइक 281 किलोमीटर चल चुके हैं, तो मुझे ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे इसको चलाने में, मोस्टली 3-4 दिन। और बाइक को मैं रोज़ इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 2 दिन हुए बाइक के 281 किलोमीटर्स, और मोस्ट प्रोबेबली 500-600 किलोमीटर्स के अराउंड मैं सर्विस करा लूँगा। मैं जल्दी इसलिए सर्विस करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे वीडियोस मिल पाए। सो या मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल पे, एंड गाइस गो एंड चेक इट आउट, बहुत सारे अपडेट्स, बहुत सारे वीडियोस अपकमिंग है, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी है चैनल पे। तो या मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, एंटिल देन बाय बाय एंड राइड सेफ गाइस।